तुमने क्या मेरे भाई को बोला अरे भाई तुमने छेड़ा अरे भाई तुमने छेड़ा क्यों छेड़ा अरे फोन मेरी बात तो सुनो मेरी बात सुनो क्यों सुनो तुम्हारी बात Hey guys, good morning. This is Aitisham. Welcome back to our new episode. What's up? कैसे हो आप लोग आयो? आप सब लोग अच्छे होंगे. और guys, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30. पीछे देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, हमेशा टाइम एकदम करेक्ट बताता हूँ. नहीं आप लोग सोचो इतनी जल्दी बंदा उठ के करके आ रहा है. तो भाई बैटरी एकदम मेरी बॉडी की एकदम डाउन हो चुकी है और मेरा बॉडी एकदम वाइब्रेट कर रहा है भाई ठंड की वजह से. और चलिए मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ. उससे पहले मैं अपना ये पटरा वटरा हटा लेता हूँ. अभी तो भाई ताला लगा हुआ, पहले फटाफट ताला खोलता हूँ. कहाँ गई मेरी चाबी, मतलब मेरी नहीं ताले की चाबी. जस्ट बाहर का सीन देखो भाई साहब, फॉग देखो फॉग. सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है. मैंने एक टोपी लगाई, दूसरी भी पहन ली टोपी, चेक करो भाई साहब, एक भी बंदा नहीं दिख रहा, सब अपने अपने घर पे हैं और मैं अकेला दिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला. अभी चलेगा थोड़ा वॉक करने के लिए रोड पे. पहले उससे पहले ब्रश व्रश कर लें, मुँह धुल लें, कुछ खा लें. अगर खा ले पे जाऊँगा ना तो भाई ठंडी लग जाएगी मुझे. चलो गाइस चलते हैं किचन के अंदर, देखते हैं क्या है खाने को. खाने को आ भाई नमकीन बिस्कुट तो नहीं खाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ आंवले का मुरब्बा खा लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट है. और वैसे भी ये बाहर ही रखा हुआ है, चेक करो ये बाहर ही रखा हुआ है, मम्मी ने रख दिया था. अरे खुल जा, रुको अच्छा कैमरा बंद कर देता हूँ, ये कहाँ से खुल नहीं रहा. लो भाई खुल गया सिस्टम. अरे वाह इसमें तो बढ़िया इलायची इलायची पड़ी है भाई. ऐसा मुरब्बा हैंडमेड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. हम घर से निकल लिया है थोड़ा वॉक करने के लिए. भाई ठंडी इतनी ज्यादा, हाथ वाथ जैसे निकला घर से बस टाइम बीता नहीं, हाथ वाथ एकदम अकड़ गया. और अभी चेक करो फुल तैयारी, मैंने बाहर निकला हूँ, सॉक्स वॉक्स डाल दिए बढ़िया, अंदर कपड़े वपड़े पहन लिया है बढ़िया. अब चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा मेन रोड तक चलते हैं अपना. हेलो गाइस, हमको जलती हुई आग मिल गई और यहाँ पे मैं जस्ट खड़ा हो गया थोड़ा आग तापने के लिए. भाई गरम गरम रख रहा है ना तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो पूरी बॉडी सुन पड़ गई थी मेरी. फिलहाल गाइस हम लोग पहुँच गए थे अपने कॉलोनी वाले गेट पे और अभी हमारे पीछे हम सिराज अंकल है जिनकी दुकान सुबह सुबह भाई खुल जाती है, जो भी सामान लेना रहता है वो हम आ जाते हैं इनकी दुकान पे. अंकल जी बहुत जल्दी सुबह सुबह आ गए, खोल दीजिए. अंकल जी हमको एक टेढ़े मेढ़े का पैकेट दे दो. अंकल जी लग रहा अभी नींद में, अभी इनकी नींद पूरी हुई नहीं है, सोए नहीं है क्या रात में? चलिए कोई बात नहीं, एक चिप्स दे दीजिए. चाय वाय तो है नहीं, मशीन लगाया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम अपना इसी चिप्स से काम चलाते हैं अभी. और गाइस अभी घर पहुंचने के बाद हमने अपना फोन खोला तो अभी जस्ट हमने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो हमारे व्हाट्सएप में एक मैसेज पड़ा हुआ है जो कि हमारे अरविंद भाई ने भेजा है, वो ये है. ये चेक करो आपको दिख रहा है कि नहीं, सही से एक बार सही से दिखा देता हूँ, ये पढ़ो. इसमें लिखा है कि रायबरेली में हिंदी वेब सीरीज का ऑडिशन निःशुल्क, तारीख 8, समय 12 बजे, पता बीट बोकर डांस एकेडमी बरगा चौराहा. तो यहाँ पे वेब सीरीज के लिए ऑडिशंस हो रहा है जो कि आज होने वाला है. वो भैया को रात ही में आ गया था मैसेज तो उन्होंने हमको फॉरवर्ड कर दिया. तो हमने सुबह फ़ोन करके पूछा क्या है तो उन्होंने कहा वेब सीरीज की शूटिंग के लिए ऑडिशन हो रहा है तो निःशुल्क है, फ्री है, तुम भी कर दो. मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं. तो अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, वो चेक करो अभी बज रहे हैं 8. तो हमने भैया ने हमसे कहा कि 10 बजे मुझे कॉल कर देना, जैसा होगा मैं तुम्हें बता दूंगा. सटक गई भाई. तो उन्होंने कहा कि ठीक है फोन कर देना. मैंने कहा ठीक है एक बार चलते हैं देखते हैं क्या प्रोसेस है क्या. और गाइस जस्ट मैं रेडी हो गया ऑडिशन देने के लिए, मुझे जाना है तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है जो कि मैं शुभम के पास जा रहा हूँ. मैंने सुबह ही कॉल कर दिया था मतलब जहाँ पे जाना था, तो उन्होंने हमने उनसे पूछा कि क्या प्रैक्टिस करना, कुछ बोलना होगा तो भी देखता है ना तो उसको ज्यादा पता है. तो अभी गाइस हम लोग आ गए थे शुभम के पास बढ़िया, हाथ गाड़ी चला रहे थे, हाथ एकदम अकड़ गए तो अभी हमने थोड़ा सेका
हीटर के पास। और अभी चेक करो इधर साइड, अभी हम लोग जो है अपनी स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, इसको तो डायलॉग याद है पहले से ही, हम अभी लिखवा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हमें इन सब चीजों का ज्यादा शौक नहीं है, हम ज्यादा मूवी भी देखते नहीं है ना, तो इसलिए हमें याद नहीं होता जल्दी से। इसको याद हो गया, इसको अपना डायलॉग याद है, हमें याद करना हमें ज्यादा टाइम लगेगा, भूल भी सकते हैं वो तो बात अलग की, लेकिन याद करना पड़ेगा। चूतिया जैसे खड़े रही हूँ ना, बस ऐसे हाँ हेलो हेलो करना नहीं, वो सब नहीं करना है थोड़ा। सभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने भैया के घर, जिनको हम लोग अभी पिक करने के लिए आए, वो अभी अपने घर में, अभी उनको आवाज दिया है, देखो कह रहे कि निकल लो कुछ खा लो, पता नहीं। ओ भाई साहब देखो तो क्या हाल चाल है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वीडियो बना रहे क्या तुम? और नहीं तो क्या भाई, ब्लॉग शूट कर रहे सामने। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई के, गवर्नमेंट जॉब लग गई भाई की, अब अपना भाई पार्टी देगा लंबी वाली, बिल्कुल पक्का। चले कल भी दिया था, और आने वाले टाइम पे जब पहली सैलरी आएगी ना अकाउंट पे, जरूर जरूर मिलेगी, जरूर जरूर। शादी वाले दिन भी देगा? कौन से दिन पे? शादी वाले दिन, शादी। अब तो भाई ऑफर आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं इसको। गाइस हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंडे में जितना ही चाय मिले उतना ही हम लोगों के लिए कम है। इनका तो जो हमें पीछे वाले जो हमें साथी, इनका कुछ अलग ही सिस्टम। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा शो है, यहां पे लाइटिंग वाइटिंग देखिए लगी है, सामने शीशा भी लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, और यहां पे ये प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहे हैं नॉर्मली। बाकी यहां पे लोग जो ऑडियंस है यहां पे बैठेंगे, जज वगैरह भी आएंगे, और यहां पे देखिए किसने छड़ा लगी बैंक को है? अच्छा रखो फोन, बताता हूँ। तुमने क्या करा भाई? अरे भाई तुमने छोड़ा? अरे भाई तुमने छोड़ा? क्यों छोड़ा? अरे है क्यों छोड़ा? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, क्यों सुनो तुम्हारी बात? क्यों छोड़ा? पहले मुझे बात तो सुनो भाई, मैं सुनूंगा। सो गाइस हमारा ऑडिशन कंप्लीट हो गया भाई। इतनी हंसी आ रही, क्या सब मतलब कर तो लिया है लास्ट वाले में, मतलब जो डायलॉग हम लोग को बोलता है लास्ट वाले में, भाई मैं अटक गया और सीन ही बदल गया, बहुत ज्यादा अटक गया, सीन बदल गया भाई, उसका डायलॉग गलत बोल दिया, उसका दुगना हम लोग एक्टिंग कर दिया। जितना कंफ्यूज हो गया कि खत्म करूं तो कैसे करूं, जितना था उससे ज्यादा हम लोग ने कर दिया, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम था, हमने थोड़ा हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। हाँ भाई ये भी आ गए भाई, ठीक था ना, मतलब चलो यार करना चाहिए, मतलब इंसान को हर उसमें जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब करो ना करो। चेक करो बस थोड़ी देर में सनसेट होने ही वाला है, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी यहाँ पे भाई हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे देखो स्टंप लगाया हुआ है, और अभी हमारा क्रिकेट चलेगा, अभी टीम जो है वो डिवाइडेशन चल रही है। और गाइज अभी मेरी कीपरिंग लगी हुई है, और ये बॉल आते हुए चलो चलो, और मेरी अभी कीपरिंग लगी है बॉल आते हुए, और ये पकड़ा 10 रन हो गए, और ये मेरे मोरन घुस गई है मेरे जूतों के अंदर। एक विकेट गया तब भी मैं बैटिंग करूंगा। एक रन शाबाश। और अभी गाइस हमारे मैच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, क्योंकि हमारी पिच यहाँ थी तो भैया ने मोरन गिरा दिया लाके, तो हमें ऐसा लगता है कि हम शायद खेल नहीं पाएंगे, या हमको स्टंप अपना यहाँ लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसा भी होगा वैसा करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पिच थोड़ी खराब है ना, तो आगे ही करना पड़ेगा, लड़ तो सकते नहीं है। अरे वाह, कौन आया मेरे घर? हमाद आया मेरे घर, कब आए तुम? जल्दी से मुझे आप प्यार करो, जल्दी से मुझे प्यार करो, हाँ जल्दी से मुझे प्यार करो, जल्दी से आओ इधर पीछे दो, मेरा तो नानी का फोन रखो, नानी का फोन रखो जल्दी।